आपके हमारे चैनल में यानी सीमास खाना में। और आज हम बनाने वाले हैं होम रेमेडी से घर में मैगी मसाला। तो बिल्कुल ड्राई मैगी मसाला बनाएंगे, बिल्कुल आप मार्केट का चौमिन खाना भूल जाओगे, जो इस तरीके से आप मैगी मसाला घर में बनाओगे। तो आइए इंग्रेडिएंट्स में एक झलक देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए है मैगी मसाला बनाने में। तो दो पैकेट हमने लिया है मैगी, उसके साथ दो पैकेट रेमेडी में हमारे पास है, ये मार्केट का खरीदा है। तो ये हमारे पास है मैगी मसाला दो पैकेट, और हमारे पास है ऑनियन जिसे हमने स्लाइसेस में कट करके रखा, थोड़ा बड़ा बड़ा सा, सॉरी क्यूब्स में कट करके रखा है, और हमारे पास थोड़ा बड़ा बड़ा चौड़े से काट जो है क्यूब्स कट करके रखे हैं। बड़े स्लाइसेस में जो है हमने एक टोमेटो कट करके रखा है, दो से तीन हरी मिर्च है जो अभी आपको येल्लो दिख रही होगी, थोड़ा सा येल्लो हो गया है बट है हरी मिर्च, और दो से तीन कलियां हैं लहसुन का जिसे हमने स्लाइसेस में कट करके रखा है। थोड़ा सा हमारे पास है बीन्स जिसे हमने कट के अच्छे तरीके से जो धो के साफ करके रखा है, और थोड़ा सा लिया है हमने धनिया। बाकी का अगर सब्जी अदर सब्जी आप डालना चाहते हो तो उसे आपके घर में अवेलेबल हो, आप उसे डाल सकते हो आप अपने च्वाइस के हिसाब से। तो फटाफट हमने गैस पर चढ़ाया है एक पैन, पैन में पानी गर्म हो रहा है, तो अब हम इसके अंदर जो है डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि हम मैगी को अच्छे तरीके से उबाल सके, बिल्कुल एक पिंच नमक, और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें मैगी। इसको हमें 80% जो है उबालना है, ज्यादा हमें उबाल के नहीं रखना है। फटाफट मैगी में मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ताकि अच्छे से उबल जाए। तो लीजिए हमने जो है 80% मैगी को उबाल, 80% जो है हमारा मैगी उबल गया है, आप देख सकते हैं अभी भी 20% कच्चा है। तो फटाफट मैं गैस को करूंगी ऑफ और इसे छान के बाहर निकालूंगी। बाहर निकालने के लिए हमने लिया है एक बाउल्स में पानी जिसके अंदर मैगी को मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी। तो लीजिए हमने पानी से बाहर निकाल लिया है, अब मैं उसे वॉश करने के लिए ठंडा पानी में ऐड कर रही हूँ, इससे हमारा मैगी जो है चिपचिपा नहीं होगा। मैंने इसे वॉश कर लूंगी। इसके बाद हमने एक पैन लिया है और पैन को मैंने गैस पे चढ़ा लिया है, गैस को करूंगी ऑन और अब मैं बनाऊंगी मैगी स्टार्ट। हमने जो मैगी लिया था उसे वॉश करके बाहर निकाल लिया है वाटर से, अब उसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, उसका कोटिंग कर देंगे तो वो क्या है बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा। तो अब हमने गैस पे जो है पैन रख लिया है और गैस का फ्लेम को ऑन कर दिया है, तो अब हम जो है पैन को गर्म करेंगे, इसके वो अंदर जो है पैन को गर्म होने देते हैं ताकि उसमें पानी ना हो, और इसके बाद हम ऐड कर देंगे उसके अंदर ऑयल। पैन गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून चम्मच जो है ऑयल, ये देखिए, और उसको हम थोड़ा सा चारों तरफ मिक्स कर लेंगे। और अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर जीरा, जीरा जो है थोड़ा चटक जाए हमारा अच्छे से, तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है हमने इसमें जीरा ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया। अब डालेंगे हम कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च, इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा रोस्ट करेंगे, अच्छे से हमें इसे रोस्ट करना है, थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे, थोड़ा ड्राई हो जाए ये, देखिए रोस्टेड। और इसी के साथ ऐड कर लेंगे ऑनियन, प्याज और मिर्ची, थोड़ा सा हमारा ब्राउन हो रहा है, हल्का हल्का भून गया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कटा हुआ बीन्स, उसको थोड़ा सा 1 मिनट पका लेंगे, सब्जी को हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है, फटाफट थोड़ा सा पका लेते हैं इसको भी। बिल्कुल जो है फ्लेम मीडियम साइज पे रखें, इससे हमारी सब्जी लगेगी हाथ भी नहीं जाएगा। अब हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे टोमेटो स्लाइसेस में जो कट करके रखे हैं, यहाँ अदर सब्जी आपके पास अवेलेबल है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं,
वाइट आती है वो आपको सब्जी पसंद आता है उसे ऐड कर ले। तो हमने इसमें जो है सब्जी को अच्छे से भून लिया है, ऐड कर लिया है बिल्कुल 1/4 जो है टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, ये होम रेमेडी से आप अपने घर में ऐसे चीज़ें बना सकते हो। 1/2 चम्मच डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, यानी कि 1-3 पिंच भी बहुत है, तो हमने इसमें लगभग 1/2 चम्मच डाल दिया है थोड़ा तीखा के लिए। तो लगभग 1 मिनट हमने मसाला पका लिया है, इसके अंदर जो है 2 चम्मच जो है हमने सॉस ऐड कर लिया है, ये जो है टोमेटो सॉस है। और अब हम ऐड कर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे पहले, और इसी के अंदर जो है आपके पास अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर का, जैसे कि आप विनीगर वगैरह डालते हैं आप उसे ऐड कर सकते हैं, या ग्रीन चिल्ली जो यूज़ करते हैं, टोमेटो सॉस यूज़ करते हैं, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो फटाफट मैं इसके अंदर डालूँगी मैगी मसाला। तो 2 मैगी मसाले हैं हमारे पास, जिसे मैं सीजर से कट करके इसके अंदर ऐड कर लूँगी। एक ऐड कर लिया हमने, दूसरा ऐड कर लेती हूँ। इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा, इसको लगभग 1 मिनट, ज़्यादा सॉस डाल के नहीं पकाना चाहिए। तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा 1 मिनट चला लेते हैं, और इसके अंदर जो है अब ऐड कर देंगे थोड़ा पानी। ताकि हम सब्जियाँ जो थोड़ी सी कच्ची होगी वो पक जाएगी, मसाला भी हमारा थोड़ा पक जाएगा। इसे मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा 4-5 मिनट इसे पका लेते हैं। अब जो है इसके सब्जी हमारा पक गया है, देख सकते हैं 3-4 मिनट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार, हमने बिल्कुल 1/2 चम्मच से कम थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि 2 ही मैगी है और थोड़ी सी सब्जियां हैं, तो ज़्यादा नहीं चाहिए नमक हमें। और इसने हमने इसे मिक्स कर लिया है, और इसके अंदर डाल देंगे हम मैगी। इस रियली खाने में बहुत ही बढ़िया और मस्त लगता है। इसके साथ ही ऐड कर देंगे हम धनिया पत्ता, ये हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब हम सब्जी और सारी मिक्स कर लेंगे, कितना बढ़िया दिख रहा है ना, खाने में उतना ही बढ़िया लाजवाब है। आप चाहे तो ऊपर से सॉस डाल के सर्व कर सकते हैं, या ऐसे भी खा सकते हैं। ये अब बिल्कुल बन के तैयार है, इसे मिक्स करने की ज़रूरत है बस। आप चाहे तो ब्लैक सॉस यानी सोया सॉस ऐड कर सकते हैं कलर के लिए, विनेगर डाल लीजिए, टोमेटो सॉस, केचप, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप अपने घर के रेमेडी से सब बना सकते हैं। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा मैगी मसाला। आप घर के रेमेडी में इतना बढ़िया चीज़ें जो है बना के घर में खा सकते हो। मैगी तो हम कई तरीके से बनाते हैं, बट आप अगर ऐसे बना के खाते हो, ज़्यादा जायका है इसके अंदर। फटाफट ये चीज़ें बच्चों को ज़्यादा ही पसंद है और जल्दी बनने वाली रेमेडी है, तो आप फटाफट इसे बना लें और खाएं। कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करना ना भूलें कि हमारा बनाया हुआ आपको मैगी मसाला, ड्राई मैगी मसाला कैसा लगा होम रेमेडी में। और कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि आपका कमेंट्स हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और फटाफट जो है मैगी मसाला खाएं और हमें कमेंट्स करें। थैंक यू चैनल देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।